खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। हरदोई में राष्ट्रीय स्वयं सेवक के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता कोरोना वायरस से बचाव के लिए जहां सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं, वहीं भूखों को खाना पहुंचाने का भी कार्य कर रहे हैं। कई दिनों से लगातार जिला सेवा प्रमुख राजेश सिंह चौहान, नगर प्रचारक वैभव व जिला कार्यवाहक संजीव खरे मोहल्ला व कॉलोनियों में जाकर के सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं। इसके अलावा उन सभी के द्वारा गरीब आशा व वांछितों को भोजन कराने व खाद्य सामग्री उपलब्ध कराए जाने का भी कार्य किया जा रहा है। कोरोना महामारी जो फैली हुई है, इसका जो इन्फेक्शन लोगों के गेट पे या ऐसे स्थान जहाँ पे हाथ लगते हैं, उन सबको सैनिटाइज करना, जिससे कि कोरोना का जो विषाणु उस पर है तो वो समाप्त हो जाए और मोहल्ले के जो हमारे वासी हैं वो सुरक्षित रहें कोरोना। मतलब लगभग कितने लोग यहाँ पे रहते, कितने आवास होंगे अंदाजन? आवास विकास कॉलोनी में तो लगभग काफ़ी आवास हैं, हजारों की संख्या में आवास हैं, पर हम लोग रोज ही अपने हरदोई नगर में रोज 100 घर का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। 100 घरों को रोज हम लोगों को करना है और पूरे ज़िले में इस तरह का हम लोग का चल रहा है। भरखनी में भी चल रहा है, हरपालपुर में भी चल रहा है, पूरे ज़िले में इस तरह का एक चल रहा है अभियान। और अब तक हम लोग लगभग 150 टंकी, ये 15 लीटर की टंकी होती है, लगभग 150 टंकी हम लोग पूरे ज़िले में छिड़काव कर चुके हैं। क्या नाम है आपका और क्या पद है? मैं संजीव खरे हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जिला कार्यवाह इस नाते। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।